इस्तांबुल में बहुत सारी जगहें और भी देखने वाली, जैसे ग्रैंड बाज़ार है, सुल्तान अहमद मस्जिद जिसे ब्लू मॉस्क भी कहते हैं, बहुत मशहूर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रुका इस्तांबुल में, तो आज का सारा दिन भी इसी रश के अंदर मेरा गुजर जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं पहुँच जाऊँ पूर्णिया। और वैसे भी ये ब्लू मॉस्क या सुल्तान अहमद मॉस्क और ये ग्रैंड बाज़ार और इस तरह की चीज़ें, ये बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल्स पे ये चीज़ें शो की हुई हैं, तो ये सब लोग बहुत अच्छी तरह से देख भी चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे भी मज़ीद वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा लोग अच्छी तरीके से सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते आगे इस्तांबुल से। ये अब हम आ गए हैं बॉस्फोरस ब्रिज के ऊपर। ये मरमरा सी, ये मरमरा का समंदर है जिसके ऊपर ये बॉस्फोरस ब्रिज बना हुआ है। ये दरअसल यूरोपियन पार्ट जो इस्तांबुल का है उसको ईस्टर्न पार्ट से अलग करता है, यानी यह अलग करता है या कह लें कि जोड़ता है। तो अभी वेस्टर्न पार्ट यूरोपियन पार्ट से निकल के अब हम चल रहे हैं ईस्टर्न पार्ट की तरफ। तो उम्मीद है कि बस अब थोड़ी देर में हम ना इस्तांबुल से निकल जाएंगे, एक दफ़ा यहाँ से निकल जाए और उसके बाद की राइड काफ़ी स्मूथ होगी। सो एंटर हो गए और मौलाना रूम, जिसे उर्फ आम में रूमी कहते हैं, तो मौलाना रूम का शहर है ये। और अभी हम सीधा जाएंगे मौलाना रूम के मज़ार पे, और वहीं पे उनका एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, बस इसको विज़िट करना है और उसके बाद फिर हमने आगे को निकलना है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मौलाना रूम के मज़ार के ऊपर। उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी। उनका ताल्लुक़ बेसिकली बुनियादी तौर पर खुरासान ईरान से था। एक पर्शियन स्पीकिंग फैमिली के अंदर वो पैदा हुए, यानी फ़ारसी स्पीकिंग फैमिली के अंदर वो पैदा हुआ, और उनका जो काम है ज़्यादा वो भी फ़ारसी में है। उनकी तसनीफ़, उनकी द
दानिश की, विजडम की बातें बेशुमार लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मौलाना रूम की सबसे मशहूर तसनीफ मसनवी थी। मसनवी का तर्जुमा दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान के अंदर हो चुका है, दुनिया की हर ज़ुबान में ये अवेलेबल है। ये इवन के एक कुछ अरसा था कि अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बेस्ट सेलिंग बुक के नाम से भी, या बेस्ट सेलिंग बुक भी रही मसनवी मौलाना रूम की। मौलाना रूम का एक शम्स तब्रेज़ी के साथ जो वाक़या है वो बड़ा मशहूर है। शम्स तब्रेज़ी भी एक आलिम थे, तो मौलाना रूम, उनका तअल्लुक़ दमिश्क से था शम्स तब्रेज़ी का। तो मौलाना रूम जिस वक्त अपने मदरसे से फारिग हुए तो उस वक्त उन्होंने दमिश्क का सफ़र किया। तो जो मौलाना अपना शम्स तब्रेज़ी हैं वो भी उस दौरान इसी सफ़र पर निकले हुए थे। तो वो एक सवाल करते थे अपने आप से कि मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जो कि मेरी कंपनी को बर्दाश्त कर सके। तो गैब से उनको आवाज़ आती है, अच्छा कि इसके बदले में तुम क्या देने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने कहा इसके बदले में मैं अपनी जान तक, अपना सर भी देने के लिए तैयार हूँ। तो उनको गैब से आवाज़ आती है कि जिस शख्स को तुम तलाश कर रहे हो वो कोनिया का जलालुद्दीन रूमी। तो बहरहाल कुछ अर्सा गुज़रता है, उनकी मुलाकात भी होती और फिर किस्सा मुख्तसर कि वो किसी जगह के ऊपर चहलकदमी कर रहे होते हैं शम्स तब्रेज़ी और मौलाना रूम। तो शम्स तब्रेज़ी कहीं उसी दौरान जाते हैं और गायब हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा उन्हें किसी ने नहीं दिखा। तो रूमर या उनके बारे में ये मशहूर है कि शायद मौलाना रूम के बेटे ने की साजिश करके तो शम्स तब्रेज़ी को कत्ल करवाया। तो बहरहाल है तो ये एक रूमर, पता नहीं ये सच है या गलत है, लेकिन अगर ये सच भी है तो शम्स तब्रेज़ी की वो बात बिल्कुल सच साबित हो जाती है जो उनको गैब से आवाज़ आई थी कि, या जो उन्होंने कहा था, जो गैब से उनको आवाज़ आई थी उसके बदले में कि कोई ऐसा शख्स जो कि मेरी कंपनी को बर्दाश्त कर सके उसके बदले में मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो मौलाना रूम का एक कॉल मुझे याद आ रहा है इस वक्त। वो कहते हैं कि कल तक मैं चालाक था इसलिए दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूँ, यानी वाइज मैं अपने आप को तब्दील कर रहा हूँ। निकल रहा हूँ और मेरा प्लान है कि आज एक और शहर है यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर कपादोकिया। तो कपादोकिया तक पहुँचा, वहाँ की ख़ास बात ये है कि जो बड़े बड़े हॉट एयर बलून्स हैं उनका एक गढ़ है वो, तो हॉट एयर बलून्स की सैर करवाई जाती है। तो आज उम्मीद है कि मैं 3 घंटे तक पहुँच जाऊँगा कपादोकिया और फिर कल देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ये हॉट एयर बलून्स को। और इसके अलावा सुना है कि बहुत पुरानी गारें मौजूद हैं, कुछ बहुत पुरानी, तो अगर वक्त मिला थोड़ा सा तो उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर अपना सफ़र मज़ीद ईरान के बॉर्डर की तरफ फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
सफ़र करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह कि अभी तक सड़क के ऊपर मैं बिल्कुल अकेला हूँ, किसी ना आपको इधर उधर किसी का ख्याल रखने की ज़रूरत, मौज मस्ती करते हुए अकेले ही बस जैसे मर्जी चलाए जाओ। मैं पहुंच गया हूँ इस वक्त कप्पादोकिया। कप्पादोकिया बेसिकली वान के रास्ते में आता है, तो वहाँ पे मैंने रुकना था, एक तो इस वजह से कि ये बिल्कुल रास्ते में है तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लेना था, और उसके बाद आगे वान सिटी जो कि ईरान के बॉर्डर पे है वहाँ जाना था। तो आज रात अब प्लान ये है कि मैं गाड़ी में गुजारूँगा, आज नींद अपनी गाड़ी में पूरी करते हैं, सुबह उठेंगे अगर टाइम हुआ तो सिटी को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, अगर ना हुआ तो फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे।